अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये देखें, ये मेरी बेटी अभी सोई हुई है, ये इसका लंच बना के मैंने रख दिया है। एक बेटी मेरी इधर सोई हुई है और ये मेरा बेटा हो रहा है तैयार, क्योंकि इसने जाना होता है चूनिया। इसकी 7 बजे वैन आ जाती है और हमारे गांव से चूनिया का सफ़र 25 किलोमीटर के फासले पे है, तो वो बेटियों ने तो इधर गांव में ही जाना होता है, तो इसीलिए वो लेट उठती हैं। इस पारे से आजकल छुट्टी हैं तो ये तैयार हो रहा है। लो जी, लाइट चली गई है। अभी इसके मैंने शूज़ पॉलिश करने हैं, ये पॉलिश पड़ी हुई है, इसका शूज़ पॉलिश करती हूँ। और ये इसकी दी है फीस, ये देखिए। ₹3200 इसकी फीस जमा करवानी है। मैंने इसको पकड़ाई है कि अंकल से कहना बैंक में जमा करवा दे। बेटा ये अंकल से कहना, गाड़ी वाले अंकल से। अपना बैग लो, चले। शाबाश, ध्यान से बेटा। ये सफाई हो चुकी है, कमरा भी हमारा साफ़ हो चुका है। और आज मैं आपको बताती हूँ कि आज हमारी एनिवर्सरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारे शादी को आज पूरे 9 साल हो गए हैं। और ये मुझे मिला है मेरे मियाँ की तरफ से एनिवर्सरी गिफ्ट। खोल के दिखाती हूँ आप सबको भी। ये देखिए, ये है लॉन का सूट है, मावरा का। चले मैं आपको खोल के दिखाती हूँ अब। ये देखें, ये है शर्ट, सूट मुझे पसंद आया है। उन्होंने कभी शॉपिंग नहीं की तो इस दफ़ा पता नहीं कैसे ले आए हैं। तो ये दुपट्टा था और ये साथ में है इसकी शलवार। तो हर दफ़ा मैं देती हूँ इन्हें गिफ्ट, लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि मेरा ऑपरेशन हुआ था तो तबीयत ख़राब की वजह से मैं नहीं जा सकी बाज़ार, तो उन्होंने मुझे दे दिया एक गिफ्ट। अब मैं भी ला के दूँगी, चाहे बाद में ही दूँ। कैसा लगा गिफ्ट कमेंट में बताइएगा। तो आज हम बनाएंगे खाना मियाँ की पसंद का। मियाँ की पसंद का खाना बनाते हैं। चले सारे बहन भाई साथ रहिएगा और देखते रहिएगा कि आज मैं इफ्तारी में क्या क्या बनाती हूँ। अब ये कीमा मैंने ऊपर रख दी है, ये वेट चल रहा है। और पास मैं बना रही हूँ ये सब्ज़ी, शिमला मिर्च मैंने काट ली। इतनी ज़्यादा शिमला मिर्च दे आए थे कल, उन्हें बहुत पसंद है, तो मैंने कहा कीमा शिमला मिर्च बना लेती हूँ। और ये पुदीना और धनिया बनाना, इसकी इमली वाली ना चटनी बनाएंगे। सारे बहन भाई साथ रहिए और देखते रहिए कि मैं आज अपनी एनिवर्सरी डे पे क्या क्या बना रही हूँ। ये कीमा बन रहा है, ये इस साइड पे मैंने रखी हुई है शिमला मिर्च फ्राई करने के लिए। ये हमने गैस लगाई है रमजान की वजह से। ये हमारा सालन बन चुका है, इसको मैं लादा बर्तन में निकाल लेती हूँ, क्योंकि कुकर में अभी और भी कुछ रखना है। ये ना कलेजी को मसाला लगा लेते हैं, क्योंकि ये धो के मैंने ना काट के छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। इसको मसाला लगा ले, फिर इसको कढ़ाई में भूनेंगे। ये भी मेरे मियाँ की फरमाइश है। इसको मसाला हम क्या लगाएंगे, ये है ज़ीरा और ये काली मिर्च पीसी हुई। ये कलेजी को हम, ये मिर्च पिसा हुआ, गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, ज़ीरा थोड़ा सा और थोड़ी सी काली मिर्च। और ये जवैन, ये मैंने धो ली थी, क्योंकि इसमें ना बड़ा वो होता है कचरा सा, मट्टी सी होती है, तो उसको मैंने ना उतना से धो ली थी, मैंने यूज़ करनी थी, फिर बाकी मैं धो के रख लूँगी। ये थोड़ा सा नमक डाला,
अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके ना, तो इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो हम इसको कोई 2 घंटे के लिए रख देंगे, फिर इसको हम फ्राई करेंगे। ये बहुत मज़े की बनती है भुनी हुई कलेजी, बहुत पसंद है मुझे तो। ये अब मैं बना रही हूँ आलू के स्नैक्स। आलू के स्नैक्स जैसे मर्ज़ी बना लें, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये आलू बॉयल कर लिए थे मैंने, और इसको हाथों से ना इतना मैश करना है कि इसके अंदर ना गुठली ना रह जाए, ज़र्रा भी इसके अंदर गुठली ना, बिल्कुल मुलायम हो जाए। तो इसको ऐसे आपने ना करना है। अब ये बारीक हो गए बिल्कुल मुलायम, इसमें थोड़ा सा डाल दिया है मैंने मैदा, और 1 मुट्ठी डाल दी है गंदम के आटे की। इसमें आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, इसमें बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन हर किसी का टेस्ट, फिर जो फ्लेवर है ना वो चेंज हो जाएगा। इसका मुझे जो टेस्ट आता है ना बहुत ही मज़े का। ये मैंने मसाले डाल दिए हैं, काली मिर्च और नमक और पिसा हुआ मसाला और ये लाल मिर्च, बस यही मसाले, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डालना। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके ये देखें, हमने एक डो बना ली है। ये देखें, ये लेसदार सी बन गई है। और इसके आप जिस तरह के मर्ज़ी डिज़ाइन के आप बना सकते हैं। मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मैं क्योंकि आज एनिवर्सरी के चक्कर में सुबह की लगी हुई हूँ, ज़्यादा चीज़ें बन चुकी हैं। फ्रूट सैलड भी मैंने बना ली है, लेकिन वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि उसकी रेसिपी पहले एक वीडियो में मैं शेयर कर चुकी हूँ। वो मैंने बना के फ्रिज में रख दी है। और कलेजी भी हमारी बन चुकी है, फिर सालन भी बन चुका है। अब मैंने कहा चलें ये स्नैक्स जल्दी से बना लूँ। ये बहुत ही जल्दी 1/2 घंटे में बन जाएंगे आपके। आलू उबले हों 1/2 घंटे से भी कम टाइम लगेगा। ये देखें, ये डो हो गई है आपकी सख्त। थोड़ी देर इसको रख दें और देखें ये लेसदार सी हो जाएगी। अब इसको जैसा मर्ज़ी आप दे दें शेप, ये देखें मैंने गोल दी है शेप, और ये कितनी ही मुझे तो बड़ी मज़े की लग रही है। तो ये मैंने ना ऑयल रखा हुआ है फ्राई पैन में, इसमें मैंने शिमला मिर्च फ्राई की थी, तो वो शिमला मिर्च के बीज हैं, तो वही ऑयल मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको हमने फ्राई करना है। ये देखें, वाओ, लुकिंग सो यम्मी, मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है अभी से। ये बाकी भी मैं आपको बता दूँ, वो एक मैंने अभी फ्राई की है, तो बाकी ऐसे आपने करनी है गोल बना के, किसी भी ढक्कन की मदद से, छोटी सी डिब्बी की ढक्कन की मदद से, या जो भी आपके पास कटर होगा, जैसी मर्ज़ी इसको शेप दे लें, लंबी दे लें, गोल दे लें, जो मर्ज़ी दे लें। ये देखें मैंने ऐसे किया, ये बहुत ही मज़े के, और एक दफ़ा पहले भी मैंने बनाए थे तो ये बहुत मज़े के बने थे। तो मैं अपने मियाँ से पूछी भी, बताएं मैंने किस चीज़ के बनाए, कहते मुझे नहीं पता चला कि किस चीज़ के बनाए हैं। ये देखें, कोई शेप कैसी दे दी, कोई मैंने कैसी दे दी, तो ये बहुत मज़े के हैं। और ये चटनी रह गई थी इमली वाली, इसकी रेसिपी भी पहले एक वीडियो में मैं शेयर कर चुकी हूँ। और ये मैं चटनी बना रही हूँ, ये इमली इसमें डाली, पुदीना और धनिया था और इमली डाली है। ये चटनी बना रही हूँ, चटनी बन चुकी है हमारी, बस टाइम भी अब थोड़ा ही रह गया है, तो मैं जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ। ये मैंने अब रख दी इफ्तारी, ये शेक बनाया है स्ट्रॉबेरी का, ये हमारी मैक्रोनी चाट पड़ी हुई है, ये कलेजी है, और ये हमारा कीमा, और ये जो मैंने स्नैक्स बनाए थे, ये चटनी, और ये हमारा